SVP-NPA, जिसका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। यहाँ भारत के सभी IPS ऑफिसर की पूरी ट्रेनिंग होती है। लेकिन क्या यहाँ पर IPS ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है? क्या IPS ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त समुद्र की गहराई में ले जाकर स्कूबा डाइविंग करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है? क्या IPS ऑफिसर को SVP-NPA में ट्रेनिंग के वक्त हॉर्स राइडिंग करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है? इसके अलावा क्या IPS ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त विभिन्न तरह की फिजिकल एक्टिविटीज भी करवाई जाती है? क्या IPS ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त स्विमिंग करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है? इसके अलावा क्या IPS ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त विभिन्न तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करवाए जाते हैं? तो दोस्तों, अगर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो इस पूरे वीडियो में मैं IPS ऑफिसर को दी जाने वाली 10 सबसे मुश्किल ट्रेनिंग्स के बारे में बात करूंगा, जिसमें कि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से मिल जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो के बीच में IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट भी मौजूद है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, वेपन ट्रेनिंग एंड फायरिंग। दोस्तों, दिन प्रतिदिन समाज में हिंसा की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस द्वारा हथियार का उपयोग किया जाता है। इस तरह से वायलेंस को कंट्रोल करने में हथियार का काफी अहम रोल होता है। इसी वजह से SVP-NPA में IPS ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त वेपन्स चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। IPS ऑफिसर को जो भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें सबसे पहले उस हथियार के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इसके बाद IPS ऑफिसर्स को यह सिखाया जाता है कि उस हथियार को पूरा कैसे खोला जा सकता है और फिर उसे कैसे जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही हथियार की साफ सफाई और अच्छे से रख रखाव करने की भी जानकारी दी जाती है। इसके बाद उसमें एमुनिशंस लोड और अनलोड करना सिखाया जाता है। इसके बाद सही दिशा में निशाना साधते हुए फायरिंग करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। IPS ऑफिसर्स को प्रशिक्षण के वक्त लगभग काफी सारे हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि 9mm पिस्तल, AK-47 राइफल, MP5, SAF कार्बाइन, 7.62mm SLR और रिवॉल्वर सहित कई तरह के हथियार शामिल हैं। इन सभी वेपन्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद IPS ऑफिसर्स को एडवांस वेपन ट्रेनिंग के लिए SVP-NPA से मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित CSWT-BSF कैंपस में ले जाया जाता है। यहाँ पर IPS ऑफिसर्स को स्नाइपर राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही मोर्टार चलाना, हैंड ग्रेनेड फेंकना, इंसास राइफल और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर चलाना भी सिखाया जाता है। तो इस तरह से काफी सारे हथियारों का प्रशिक्षण पाकर IPS विभिन्न हथियारों को चलाने में कुशल हो जाते हैं। नंबर 9, फिजिकल ट्रेनिंग। दोस्तों, SVP-NPA में IPS ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त फिजिकली फिट रहने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग्स करवाई जाती है, जिसमें कि सबसे पहले PT होता है। इसमें IPS ऑफिसर को एंड्यूरेंस एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है। इसके अलावा 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 40 किलोमीटर के रूट मार्चेस भी अलग अलग दिन आयोजित होते हैं। इन सभी रूट मार्चेस में IPS ऑफिसर को हथियार लेकर काफ़ी लंबी दूरी का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। इसके बाद असॉल्ट कोर्स होता है। इस असॉल्ट कोर्स में IPS ऑफिसर्स को छलांग लगाना, रस्सी पर चढ़ना, कटीले तारों के नीचे से गुजरना और जैसी एक्टिविटीज करवाई जाती है। इसके अलावा PT ऑब्स्टेकल्स, फॉरवर्ड रोल और वर्टिकल रोप जैसी एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। नंबर 8, फर्स्ट एड ट्रेनिंग। दोस्तों, SVP-NPA में IPS ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त फर्स्ट एड का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें IPS ऑफिसर्स को फर्स्ट एड में उपयोग की जाने वाली आवश्यक सामग्री एवं तकनीक के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा फर्स्ट एड में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को भी इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही अगर बुलेट इंजुरीज, ब्लास्ट इंजुरीज या स्नेक बाइट जैसी घटनाएं ऑपरेशंस लीड करते वक्त हो जाए, तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में IPS ऑफिसर अपने साथी की मदद फर्स्ट एड के जरिए कैसे कर सकते हैं, यह भी जानकारी दी जाती है। दोस्तों, SVP-NPA में IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें स्टेट कैडर्स अलॉट कर दिया जाता है। इसमें IPS ऑफिसर को अपने मन मुताबिक स्टेट कैडर सेलेक्ट करने का मौका मिलता है और फिर उसी स्टेट में IPS ऑफिसर की सर्विस लाइफ टाइम होती है। तो दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ, अगर आप SVP-NPA में IPS ऑफिसर के रूप में ट्रेनिंग पूरी कर लोगे तो इनमें से एक कौन सा स्टेट कैडर सेलेक्ट करोगे, नीचे कमेंट में बताएं। नंबर 7, हॉर्स राइडिंग।
दोस्तों, कई राज्यों में पुलिस बलों द्वारा अभी भी घुड़सवार पुलिस इकाइयों का उपयोग कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसी वजह से आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त एसवीपी एनपीए में हॉर्स राइडिंग करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें आईपीएस ऑफिसर को यह बताया जाता है कि पुलिस के कामों में घुड़सवार पुलिस की भूमिका क्या होती है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर्स को यह भी सिखाया जाता है कि हॉर्स राइडिंग का उपयोग करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी जाती है कि हॉर्स राइडिंग का उपयोग करते हुए पेट्रोलिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को घुड़सवारी से संबंधित कुछ मूल बातों की भी जानकारी दी जाती है, जिसमें कि घोड़े पर सैडल पैड सही तरीके से लगाने और घोड़े पर चढ़ना एवं उतरना शामिल है। इसके साथ ही आईपीएस ऑफिसर को घुड़सवारी करते हुए स्ट्रेट राइडिंग और सर्कल राइडिंग करना भी सिखाया जाता है। आईपीएस ऑफिसर को हॉर्स राइडिंग करते हुए जंपिंग प्रैक्टिसेस भी करवाई जाती है। और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप अलग अलग कारणों से डीमोटिवेट हो जाते होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कुकू एफएम पर बेस्ट क्वालिटीज के मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो लिसनिंग प्लेटफॉर्म है। कुकू एफएम पर आप कई तरह के हिस्टोरिकल ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं, जिससे कि यूपीएससी के एग्जाम में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ग्रेट हिस्टोरिकल लोगों की बायोग्राफीज भी कुकू एफएम पर सुनी जा सकती है। कुकू एफएम का पूरे साल भर का जो प्लान है वो 399 रुपए का है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा कि पर डे 1 रुपए से भी कम की कीमत पर इनके सारे प्लेटफॉर्म का एक्सेस पूरे साल भर के लिए मिल जाएगा। और चूंकि न्यू ईयर आ रहा है तो इस वजह से कुकू एफएम की तरफ से काफ़ी बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो एक लिमिटेड टाइम के लिए अगर आप NY50 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो इनके पूरे सब्सक्रिप्शन पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको पूरे साल भर का प्लान महज 199 रुपये का पड़ेगा। तो कुकू एफएम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे ज़रूर चेकआउट करें। अब वीडियो पर वापस आते हैं। नंबर 6, एडवेंचर स्पोर्ट्स। दोस्तों, SVP NPA में IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग के वक्त कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आयोजन होता है। इसमें IPS ऑफिसर्स को काफ़ी ऊंचाई से बंजी जंपिंग करना होता है। इसके अलावा काफ़ी दूरी तक रिवर राफ्टिंग भी करना होता है। इसके साथ ही पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग और मोटर ग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी IPS ऑफिसर को करवाए जाते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग करने के बाद ही IPS ऑफिसर को रॉक क्लाइंबिंग करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही IPS ऑफिसर्स को स्कूबा डाइविंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करवाए जाते हैं। सबसे पहले IPS ऑफिसर्स को स्विमिंग पूल में स्कूबा डाइविंग करना सिखाया जाता है। इसके बाद ही IPS ऑफिसर को समुद्र की काफ़ी गहराई में स्कूबा डाइविंग करने के लिए ले जाया जाता है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, दोस्तों, IPS ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त ड्राइविंग करना भी सिखाया जाता है, लेकिन उससे पहले उन्हें मोटर मैकेनिज्म पर आधारित एक शॉर्ट बेसिक कोर्स करवाया जाता है। इसमें IPS ऑफिसर को मोटर व्हीकल के इंजन, फ्यूल, गियर, ब्रेक्स और उसके कामकाज इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही रोड साइंस और सिग्नल्स के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके बाद ही IPS ऑफिसर को ड्राइविंग करने की ट्रेनिंग दी जाती है। IPS ऑफिसर्स को ड्राइविंग के हर क्लास में लगभग 10 किलोमीटर कार ड्राइविंग करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ड्राइविंग की 15 क्लासेस कंप्लीट करने के बाद IPS ऑफिसर का एकेडमी में फाइनल ड्राइविंग टेस्ट होता है, जिसे कि पास करना बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 4, ड्रिल ट्रेनिंग। दोस्तों, IPS ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त SVP NPA में कई तरह के ड्रिल्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें IPS ऑफिसर को लाठी ड्रिल करवाई जाती है। इसके साथ ही टीयर स्मोक ड्रिल भी करवाई जाती है। इसमें IPS ऑफिसर को आंसू गैस के गोले का उपयोग करते हुए भीड़ को काबू करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा राइट कंट्रोल ड्रिल, शॉट ड्रिल और सेरेमोनियल ड्रिल भी IPS ऑफिसर को करवाए जाते हैं। इसके साथ ही ग्रेनेड को सही दिशा में फेंकने की भी ड्रिल होती है। नंबर 3, अनआर्म्ड कॉम्बैट। दोस्तों, IPS ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त अनआर्म्ड कॉम्बैट की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें IPS ऑफिसर को पंच मारना, किक मारना और गिराना सिखाया जाता है। इसके अलावा पिस्तल से बचाव और चाकू से बचाव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही बॉक्सिंग करना और गैंग अटैक से अपना बचाव करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। नंबर 2, फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स एंड मैप रीडिंग। दोस्तों, IPS ऑफिसर को SVP NPA में ट्रेनिंग के वक्त फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स और मैप रीडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है।
फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिक्स में आईपीएस ऑफिसर को फील्ड सिग्नल्स, इंडिकेशन ऑफ टारगेट्स और फायरिंग ऑर्डर के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही आईईडी यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस के इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग इनपुट्स भी आईपीएस ऑफिसर को लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के माध्यम से दिए जाते हैं। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को क्लियरेंस ड्रिल की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आईपीएस ऑफिसर को यह सिखाया जाता है कि अगर किसी घर में टेररिस्ट छिपे हों तो आम लोगों को बचाते हुए कैसे टेररिस्ट को मारा जा सकता है, इसकी ड्रिल करवाई जाती है। आईपीएस ऑफिसर को मैप रीडिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आईपीएस ऑफिसर को यह जानकारी दी जाती है कि मैप रीडिंग के जरिए ऑपरेशंस के रूट को कैसे अच्छी तरह से प्लान किया जा सकता है। नंबर वन, स्विमिंग। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर को एसवीपी एनपीए में स्विमिंग करने की भी एक ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले आईपीएस ऑफिसर्स को यह सिखाया जाता है कि स्विमिंग करते वक्त सांस कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि स्विमिंग करते वक्त आर्म और लेग एक्शन कैसा होना चाहिए। इसके साथ ही आईपीएस ऑफिसर को कई तरह की स्विमिंग प्रैक्टिसेस भी करवाई जाती है, जिसमें कि फ्री स्टाइल स्विमिंग, ट्यूब के साथ, ट्यूब के बिना और लेग एक्शन प्रैक्टिस शामिल है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को स्विमिंग के फाइनल टेस्ट में भी पास होना बहुत ही जरूरी होता है। स्विमिंग टेस्ट पास न करने की स्थिति में आईपीएस ऑफिसर्स को सेवा से बर्खास्त तक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।